सो हेलो गाइस, कैसे हो आप? होप आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। आज की वीडियो में मैं आपको फ्री फायर के कुछ अननोन फैक्ट बताऊंगा, कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। बस आप लोग इन सब फैक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोग मेरे चैनल यानी कि फैक्ट्री सार्थक चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट जरूर से कर लेना। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है हमारे इंडिया में कितने प्लेयर हैं फ्री फायर खेलने वाले जो रोज फ्री फायर खेलते हैं? तो हमारे इंडिया में मोर देन 25 मिलियन प्लेयर्स हैं जो फ्री फायर को रोज खेलते हैं। और आप लोग जानते हो 25 मिलियन प्लेयर्स को अगर आप लोग असलियत में देखोगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और ये रोज खेलते हैं, एक दो दिन छोड़ के नहीं, रोज 25 मिलियन प्लेयर्स हैं हमारे फ्री फायर को जो रोज खेलते हैं। तो ये था फैक्ट वन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्ट नंबर टू के बारे में। क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट व्हीकल कौन सा है? आप में से बहुत से ऐसे बंदे होंगे जिन्हें लगता है कि फ्री फायर का फास्टेस्ट व्हीकल स्पोर्ट्स कार है, लेकिन मैं आपको बता दूं फास्टेस्ट व्हीकल स्पोर्ट्स कार नहीं है। स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा फास्टेस्ट व्हीकल है हमारे गेम में और उसके बारे में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि उस व्हीकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो भी आप विश्वास नहीं करोगे। तो वो व्हीकल है मोटरसाइकिल। कभी आप लोग फ्री फायर के अंदर स्पोर्ट्स कार को चलाना और मोटरसाइकिल को चलाना आप लोग खुद ऑब्जर्व कर लोगे कि कार ज्यादा तेज चलती है ये स्पोर्ट्स कार या फिर मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल ही ज्यादा तेज चलती है, कभी आप लोग ऑब्जर्व करके देखना। तो ये था फैक्ट नंबर टू। चलिए अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर थ्री के बारे में। तो क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर में एक साल ऐसी भी थी जिस साल में फ्री फायर के बहुत ज्यादा प्लेयर्स हो गए थे, लेकिन आप में से बहुत कम बंदे होंगे जिन्हें इस बारे में पता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, फ्री फायर ने एक बार 2020 में 100 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। 100 मिलियन प्लेयर्स हो गए थे एक्टिव प्लेयर्स जो फ्री फायर को रोज खेलते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ था जहां पर 100 मिलियन प्लेयर्स एक साल में कंप्लीट हो गए थे। फिर अगले बार 2021 में, मतलब यानी कि पिछली साल, फिर से एक्टिव प्लेयर हैं जो कि कम हो गए थे। अब हम बात करने वाले हैं फैक्ट नंबर फोर के बारे में। तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि वर्ल्ड सीरीज क्या होती है। फ्री फायर की वर्ल्ड सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। जितने बंदों को नहीं पता है वर्ल्ड सीरीज क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड सीरीज एक तरह का एक टूर्नामेंट होती है जिसके अंदर एक कस्टम बनाया जाता है और तीन चार टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं। लेकिन ये कस्टम कोई ऐसा वैसा कस्टम नहीं होता है, ये एक हाई लेवल का कस्टम होता है। इसमें आपको जीतने पर पैसे मिलते हैं, और थोड़े बहुत पैसे नहीं, बहुत ज्यादा पैसे। तो इस फैक्ट में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वर्ल्ड सीरीज का प्राइस पूल कितना होता है, मतलब कितने पैसे मिलते हैं टीम को अगर वो वर्ल्ड सीरीज में जीत जाती है। तो अभी पिछले से पिछले साल यानी कि 2020 में जो वर्ल्ड सीरीज हुई थी फ्री फायर की, उसका प्राइस पूल था 1 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उस टीम को जो वर्ल्ड सीरीज में जीत जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट फैक्ट के बारे में, जो कि है फैक्ट नंबर फाइव। फैक्ट नंबर फाइव जानने से पहले, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार इतनी कंजूसी मत दिखाओ, वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। तो चलो अब बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ। तो फैक्ट नंबर फाइव ये है कि क्या आपको पता है हमारे फ्री फायर में बहुत जल्द एक अपडेट आने वाला है, यानी कि OB32 अपडेट। और आप लोग जानते हो जब भी कोई नया अपडेट आता है OB वाला, तो उसके साथ हमारे फ्री फायर के अंदर बहुत नई नई चीजें जो है हो जाती हैं और नई नई चीजें आ जाती हैं। तो ऐसे ही फ्री फायर वाले इस बार इस OB32 अपडेट में एक शॉर्ट गन लाने वाले हैं जो कि M187 से हो सकता है कि ज्यादा बेटर हो। तो नई वाली शॉर्ट गन का नाम है चार्ज बस्टर, और चार्ज बस्टर दिखने में ऐसी है, आप लोग देख ही सकते हो, शॉर्ट गन जैसी ही है ये भी, जैसी और शॉर्ट गन होती है हमारे गेम में। एंड अगर हम लोग बात करें इसकी स्किल की, तो इसका स्किल ये है कि अगर हम लोग फायर बटन को होल्ड करे रहेंगे तो ये ज्यादा पावर से गोली जो है बंदे को मारेगी, एनिमी। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है एडवांस सर्वर की जिसमें बंदे इस गन को चला रहे हैं, चार्ज बस्टर गन को, तो मुझे तो काफी अच्छी लगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जितनी भी एडवांस सर्वर में गन आती हैं वो हमें वीडियोस में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन जब हम लोग गेम में उसे रियल में चलाते हैं तो वो कुछ इतनी खास नहीं होती। इसलिए मैं अभी पक्का नहीं कह सकता कि ये गन M187 से बेटर होगी कि नहीं, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि ये M187 से बेटर होगी, क्योंकि इसे होल्ड करके चलाओ तो ये ज्यादा पावर से गोली मारती है एनिमी को। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही फैक्ट थे, अगली वीडियो में आपको और भी फैक्ट बताऊंगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट भी जरूर से कर लेना, फिर आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करेगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। बाय गाइस।